हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वापस एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और भाई एक दुख की बात है, मेरा हार्ट को वर्ल्ड भाई इस बार भी खत्म हो रहा है, क्योंकि भाई मैं अभी अभी मरा मेरे हार्ट को वर्ल्ड में। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है भाई। मैंने सोचा नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा खेलूंगा, ठीक है, इस बार एटलीस्ट मैं मतलब कि डायमंड तक पहुँच पाऊंगा, ठीक है। तो भाई उससे पहले मर गया, तो भाई मैं अभी मर के ही आ रहा हूँ इस वाले सर्वर पे। अच्छा यार, क्या ही कर सकते हैं भाई, वो भी फिर से एक बार शुरू करेंगे हार्डकोर वाला वर्ल्ड। अच्छा जो भी हो भाई, यार मैं यहाँ पर आके ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं जो है ना ये वाला वीडियो बाद में डालने वाला था, लेकिन मुझे डालना पड़ रहा है बहुत जल्दी। मैं सोच रहा था कि भाई मेरा हार्डकोर वर्ल्ड का डालूंगा, लेकिन भाई ये वाला डालना पड़ रहा है भाई, क्या ही कर सकते। जो भी हो गाइज, तो भाई आज मुझे जो है ना, मुझे चाहिए वो वाला वन फॉर ऑल वाला एक स्वॉर्ड, आप लोगों को दिखाया था पिछले बार के वीडियो में, तो वो मेरे को आज चाहिए, ठीक है। ऐसे भी करके मेरे को खरीदना है, और उसका प्राइस है भाई 10 मिलियन। जी हाँ, आज मैं वो वाला खरीदने वाला हूँ, कोशिश करूंगा कि भाई खरीदूं, और बाकी तो भाई पता नहीं खरीद पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि भाई खरीदूं, ठीक है। ओके गाइस, और ज्यादा बातें ना करते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो भाई सबसे पहले मैं अपना शॉप एरिया में चेक करता हूँ कि भाई कुछ है या नहीं है, और जैफरी भाई ने तो भाई पहले ही मेरे को 1 मिलियन दे दिया है, तो भाई ये बात सही है। चलो यार इसको डिपॉजिट करवाते हैं, और भाई वो वाला शॉप भी चेक कर लेते हैं ना भाई, मेरा नया वाला शॉप। यार भाई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार, मैं मर गया। शिट भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई। मैंने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा खेलूँगा भाई, लेकिन मैं नहीं खेल पाया यार। अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, ये तो भाई चलते ही रहेंगे। लेकिन भाई मैं अपना टीम होम पे चलता हूँ, ठीक है, वहाँ पर देखते हैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। भाई फिर से एक बार शुरू करना होगा यार हार्ट को, वो बात बार बार क्यों कर रहा हूँ भाई, तकलीफ हो रहा है यार। अच्छा जो भी हो गाइस, देखो भाई ये जो है ना, ये जैफरी भाई लाए हैं मतलब कि ग्रीन कलर का करने के लिए। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। मैं बहुत टाइम तक ऊपर खड़ा रहा, बट मेरे से वो हुआ नहीं, ठीक है, ये वाला ग्रीन कलर का हुआ नहीं। तो भाई जी हाँ भाई, कुछ नहीं कर सकते इसका, तो वो वाला बैनर भी बनाएंगे, देखेंगे भाई, कोशिश करेंगे। अगर बैनर के लिए भाई वो मतलब कि डिज़ाइंस वगैरह चाहे अगर चाहिए होंगे भाई, तो भाई नहीं कर सकते बैनर वगैरह, ठीक है। फिलहाल के लिए भाई बैनर के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और भाई वो जो है ना वो सील वगैरह भाई वो बनाने के लिए एक एक काम करना होता है, ठीक है, कुछ अलग अलग काम करने होते हैं। तो एक काम करते पहले भाई, एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग अपना होम चलते हैं, होम बेड चलते हैं, ठीक है। तो होम बेड चलेंगे सबसे पहले। यार ये खाने की वजह से मैं मर गया, सॉरी कि खाने की वजह से नहीं, स्कैलिंग की वजह से मर गया भाई, इससे भी मरा नहीं भाई, भाई मेरे को मार ही दे भाई, अच्छा नहीं लग रहा यार। भाई ये लगाते हैं, और भाई पता नहीं भाई जैफरी भाई इतना प्लान कर चुके हैं ये सब, लेकिन भाई हाँ मुझे प्लान करना है बहुत सारा। यार फटाफट से ऊपर चलते हैं भाई, देखो यहाँ पर है ना भाई। तो भाई मेरे पास जितना भी है, एटलीस्ट मैं ये वाला जो है ना, यहाँ पर जो देख रहे हो भाई, ये वाला फिल करके मैं आप लोगों से, ये वाला नहीं भाई ऊपर वाला भी फिल करके आप लोगों से मिलता हूँ बस 2 मिनट में, ठीक है। ओके गाइस, 6th फ्लोर पे भी कंप्लीट हो चुका है पूरा नेदरवर्ल्ड वगैरह लगाना। तो भाई आप लोग देख सकते हो भाई, पूरा मैंने मतलब कि एकदम डिटेलिंग में पूरा कंप्लीट किया है थोड़ा सा। अबे यार यहाँ पर बहुत सारे बाकी है भाई, कोई बात नहीं, ये सब भी फिल कर देंगे भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। और भाई इतने में मैं जो है ना मिलियंस पर मिलियंस भाई कमा सकता था, मतलब कि मिलियन मिलियन डॉलर कमा सकता था, ठीक है। ओके गाइस, तो जो भी हो भाई ये सब थोड़ा और कंप्लीट करते हैं, और भाई अपना एक टेस्ट करेंगे, और वो ये है कि भाई हम लोग यहाँ पर माइनिंग करेंगे, मतलब कि मेरे यहाँ पर माइनिंग करेंगे, और भाई टीम होम पे एक बार माइनिंग करेंगे भाई, दोनों माइनिंग करके देखेंगे भाई कौन सा सबसे ज्यादा कमाई करता है, ठीक है। देखा भाई कितना सारा है ना भाई, बहुत सारा है। अगर यहाँ पर कोई भी बंदा होता ना, तो भाई इतने में भाई ये सब डिस्पॉन हो जाता था। देखो भाई एकदम सेल ऑल, चलो यार सेल करके ऐसे पकड़ के भाई हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर आ गए हैं ना, तो भाई ये वाला मैं कंप्लीट करके ही जाता हूँ ना,
चलो यार ये वाला मैं कंप्लीट करके बस 2 मिनट में आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस भाई जितना हो रहा है ना उतना बेच देते हैं, पहले पहले बेचते हैं भाई, भाई रिस्क नहीं लेते, ये सब बेच के फिर से एक बार हम लोग तोड़ते हैं ठीक है भाई। देखो जितना है ना भाई मुझे नहीं लगता कि इसमें 10 मिलियन हो पाएगा ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ पर AFK होना होगा और भाई फिर शायद मेरे को 10 मिलियन मिल सकता है। 2000 years later. ओके गाइस मैंने पूरा फार्म एकदम भाई खाली कर दिया है। मैंने सोचा कि भाई एटलीस्ट 2 से 3 मिलियन मुझे मिल सकता है ठीक है। तो मुश्किल से मेरे को 100 मिलियन ठीक है, 1 मिलियन और 300K मिला है। आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास 1 मिलियन था। तो फार्म से निकला मैं अभी अभी और मेरा भाई या भाई मेरा अमाउंट आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा मनी है मेरे पास, या भाई मेरे पास 7 मिलियन मनी है। तो मैंने एकदम बढ़िया से कलेक्ट कर लिया है कि भाई मैं खरीदने वाला था, जी हाँ भाई वाला था, खरीदने नहीं वाला ठीक है। सच्चाई ये है कि हम लोग के पास जो स्वॉर्ड है, देखो भाई मैंने जो है ना अपना स्वॉर्ड भी चेंज कर लिया है, मतलब कि स्वॉर्ड का जो नेम है ना वो चेंज कर लिया है। और भाई जिस बंदे से चेंज करवाया उसका भाई उसको 80,000 देना पड़ा मुझे, सॉरी 80,000 नहीं 800K ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा मांग रहा था बंदा, 1 मिलियन मांग रहा था। तो जैफी भाई ने थोड़ा बहुत बातचीत की बंदे से, तो भाई बंदे ने 800,000 में ठीक है 800,000 में मान गया ठीक है। तो वो भी कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने दिया 400 और जैफरी भाई ने शायद 400 दिया या फिर 400 से काम चला दिया, पता नहीं यार। जैफरी भाई का क्या है कि भाई वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है भाई, वरना जैफरी खुद ही दे देते। मैंने कहा कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, 7 मिलियन है, तो इसी वजह से शायद जैफरी भाई ने ले लिए ठीक है। तो जी हाँ गाइस, तो मैं जो कह रहा था, तो जैफरी भाई जब सुने तो कहा कि भाई खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वो एकदम बेकार सा तलवार है ठीक है, मतलब कि फिलहाल के लिए बेकार तलवार है, पहले भाई बढ़िया हुआ करता था लेकिन फिलहाल के लिए बेकार है। सीन क्या है अब लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़। एक होता है भाई बोरियत या फिर अच्छा यहाँ पर देख सकते हो गोलियत एक है। तो ये क्या करता है, मतलब कि देखो मैं एक प्लेयर हूँ और मेरे से अगर कोई पावरफुल मॉब हुआ तो गोलियत क्या करता है कि भाई उसको ज्यादा डैमेज देता है, तो ये गोलियत का काम है। और भाई मेरे पास है स्टन ठीक है, तो स्टन क्या करता है मेजोरिटी टाइम पे जिसके साथ मैं फाइट करूंगा ना तो उसको स्टन कर देगा, कुछ टाइम के लिए उसको स्टन कर देगा, वो लड़ नहीं सकता ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैंने लगाया है शार्पनेस स्टन। और भाई अगर मैं वो वाला स्वॉर्ड खरीदता ऑल फॉर वन तो उसमें जो है ना मैं कोई एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट वगैरह लगा नहीं सकता। तो वैसे तो भाई उसका डैमेज वगैरह बढ़िया है भाई, किसी बंदे को भाई मेरे से लड़वा दो ऑल फॉर वन से तो भाई वो बंदा मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगा, क्योंकि बस उसका भाई डैमेज ही वैसा है ठीक है, और मेरा भाई जो डैमेज है ना उससे भी ज़्यादा अप है ना। तो एक चीज़ हम लोगों ने ट्राई किया और आई होप आप लोग ऊपर देख ही सकते हो कि मैं और जैफी भाई गए थे एंशिएंट सिटी में। तो वहाँ पर जो है ना मैंने टेस्ट किया कि भाई वार्डन को कौन बंदा कैसे मार सकता है, मतलब कि कितने शॉट में। तो मैं अगर क्रिटिकल वाला शॉट मारूं, मतलब ये होता है कि छलांग मार के ऐसे करके मारना, तो वो वाला शॉट मारो आप लोग देख सकते हो मैंने करीब 4 शॉट में ही उसको मार दिया है ना। और भाई अगर मैं अपना पावर अप करूँ यानी कि राइट बटन को क्लिक करूँ तो मैं एक ही शॉट में मार सकता हूँ। वो आप लोग वो भी चीज़ देख रहे हैं। और भाई जैफरी भाई का तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है, जैफरी भाई नॉर्मली भाई खड़े रहते हैं और 3 शॉटें मार देते हैं, और अगर राइट बटन वाला क्लिक करे तो भाई ऑब्वियसली भाई एक ही शॉट में मारेगा ना। तो जी हाँ भाई यही सीन है। और आप लोगों ने भी देखा है कि मैंने ट्विटर बॉस को भी 2 शॉट में मार दिया है ना, वो ऑल फॉर वन से नहीं होने वाला था। तो भाई मेरे को पता नहीं था कि मेरे स्वॉर्ड में स्टन है, क्योंकि भाई मेरा स्वॉर्ड जो है ना एंचेंट किया है जैफरी भाई ने, तो इसी वजह से मेरे को नहीं पता था कि मेरे स्वॉर्ड में स्टन है। तो यही एक रीज़न है कि भाई मैं वो ऑल फॉर वन नहीं खरीदना चाहता ठीक है। मेरे पास देखो 7 मिलियन है, चाहूँ तो खरीद सकता हूँ, थोड़ा बहुत और भी क्राइम करना होगा और मैं इजीली खरीद सकता हूँ, इसी वजह से मैं नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि भाई वो खरीदना भी बेकार है, मतलब कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो उतना ज़्यादा बड़ा वाला कोई तोप नहीं है वो वाला स्वॉर्ड। तो जी हाँ भाई ये स्वॉर्ड अगर बेचूँ ना तो ऑल फॉर वन से ज़्यादा दाम में बेच सकता हूँ, क्योंकि भाई इसमें शार्पनेस 10 है ठीक है, और ये एकमात्र मिलता है BD Zone सर्वर।
मतलब कि बीडी जोन के स्वॉर्ड्स में, ठीक है। तो जी हाँ, देख सकते हो भाई, मैं टेंसाइगर, ये जो है ना टेंसाइगर, ये क्या है, 2010 या फिर 11 12 13, मतलब ये इन 3 सालों में मैंने एनिमे देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। एक एनिमे था, एनिमे का नाम था इनुयाशा, तो वो थोड़ा बहुत समुराई टाइप का था और उसके पास एक स्वॉर्ड था जिसको कहते हैं टेंसाइगर या फिर टेंसाइगर ऐसा कुछ कहते हैं, और उसके भाई के पास था टेंसाइगर। तो मेरे को टेंसाइगर इसी वजह से पसंद है। तो भाई थोड़ा बहुत डेविल लुक देने के लिए मैंने कोशिश किया है कि रेड और पर्पल के बीच कुछ रखने के लिए। तो भाई साहब ये कौन सा वाला, आई थिंक डेंजर वाला है ये भाई, एपिक का है? नहीं नहीं भाई, ये भाई बिल्कुल भी सामने ले नहीं रखेंगे। और भाई एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता था, ये जो है ना लेजेंड क्रेट की, ये मेरे को दिया है जैफी भाई ने, और भाई ये भाई ये मेरे को मिला है प्ले टाइम से वोट क्रेट की, और मैं चाहूँ तो भाई वोट करके और भी ज्यादा कीस ला सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे को नहीं लाना क्योंकि इसमें फायदा नहीं है कुछ भी। और भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या मिलेगा भाई, एपिक क्रेट मिलेगा, ठीक है। तो भाई एपिक का भी उतना ज्यादा खास कोई फायदा नहीं है, अब भाई हम लोग अमीर बन चुके हैं। तो ये जो है ना मेरे को वहां पर लगाना है, ऊपर लगाना है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास कोई टेम्परेरी ब्लॉक नहीं है ना, चलो यार थोड़ा बहुत टेम्परेरी ब्लॉक लाते हैं भाई, डर्ट वगैरह लाते हैं ना। चलो यार, तो मैं स्पिन भी करने वाला हूँ थोड़ी देर भाई, अब ये वाला काम हो जाए तब मैं जाके स्पिन करूंगा, और जो है ना ये जगह, इस जगह को भाई और भी ज्यादा डेकोरेट वगैरह करूंगा। क्या मेरा एक्सोलोटल बाहर निकल गए वो लोग? वैसे निकलना तो नहीं चाहिए इतने टाइम से यहाँ पर। तो यार मुझे जाना है ऊपर, और ऊपर चल के मैं देखो ये सीन क्या है कि भाई सीन जो भी हो भाई, पहले भाई तोड़ लेते हैं ये सब, ठीक है, ये बीच बीच का भाई तोड़ लेते हैं पहले भाई, बहुत सारा चाहिए वैसे। तो ये वाला कुछ ऐसा था ना, हाँ जी भाई ये ऐसा था, और ये कैसे लगाया मैंने, हाँ ऐसे करके, और एक था ऐसे करके, है ना, और बीच में लगाया था भाई ये वाला। जी हाँ भाई, तो और भी ज्यादा चाहिए ना भाई मुझे। अब ये जो है ना ये स्टेयर चाहिए मुझे, कितना चाहिए भाई, 4 चाहिए आई होप। अबे यार ये अच्छा नहीं लग रहा यार, कोई बात नहीं इसको चेंज कर देंगे, मतलब कि ये सारे जितने भी ब्लॉक्स है, स्टेयर है, सॉरी स्टेयर है, मतलब कि कॉपर के रेड रेड कलर की जो है ना, ये सब चेंज कर देंगे हम लोग, वह अच्छा रहेगा। देखो भाई मेरे को बहुत सारा चीज कलेक्ट करना है अगर मैं बैनर बनाने जाऊँ। हाँ भाई पिछले बार की वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बैनर बनाऊंगा, इस वाले वीडियो में भाई आई थिंक मेरे को, आई थिंक भाई ये नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई बैनर बनाने के लिए बहुत सारे चीज चाहिए होते हैं। देख तेरे को, तेरे तो भाई देखा भाई एकदम ढंग से मार दिया ना भाई, पंगा लेता है भाई मेरे से। चलो यार कोई बात नहीं, हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं भाई और थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं, अगर हो मतलब कि अगर हो जाए ना तो भाई वो मैं तोड़ के यहाँ पर लाऊंगा और भाई काम चलाऊंगा यार। तो चलो यार एक तो भाई यहाँ पर है और भाई ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये 3 हो जाएंगे, बाकी क्या हम लोगों के पास हनीकॉम वगैरह है, एक बार होम बैठ करके देखते हैं भाई। देखा भाई यहाँ पर हनीकॉम वगैरह तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हनी वगैरह नहीं है, तो ये सब भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो भाई वो बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए काम करते हैं। और वो काम ये है कि देखो इसका स्लैब स्लैब वगैरह बनेगा, तो भाई स्लैब से कोई फायदा नहीं है। और भाई ये वाला फार्म मैंने बहुत ज्यादा सोच के बनाया था कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन भाई कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि भाई सर्वर का कोई भरोसा नहीं है, तो या यही रीज़न है। और भाई ये वाला मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये वाला पूरा करने का उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ना ये स्लो है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है भाई, इसलिए भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा स्लो है। देखो भाई मैं जो है ना यहाँ पर बीकन में मैंने देखो ये मैक्स लेवल का बीकन है, स्पीड 2 दे रहा है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है भाई, उतना ज्यादा जोर से भाई ये दौड़ नहीं रहा, ठीक है। मेरे पास एक एन्चेंटमेंट है और उसको कहते हैं भाई स्ट्रीम लाइनिंग, ठीक है, तो ये फास्ट दौड़ने वाला एन्चेंटमेंट है,
और इसका मैक्स लेवल है 4। तो भाई ये एपिक वाला है, एपिक वाला नहीं भाई, मेरे को लेजेंड वाला मिला है। और थोड़ी देर के रख देता ना भाई वो लेजेंड वाला की तो भाई बहुत ज़्यादा सही होता। तो भाई पहले नॉर्मल बोर्ड से शुरू करते हैं। ये तो अच्छा हुआ भाई ब्लॉक ऑफ डायमंड मिला है, अच्छा है भाई डायमंड ब्लॉक। ये कौन सा है भाई, ब्लॉक ऑफ कोल इतना ज़्यादा खास भी नहीं है, गोल्डन एप्पल उतना ज़्यादा खास नहीं है। और फाइनल भाई क्या मिला है भाई, ये बेकार है ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फॉर रिस्पेक्ट भाई, इसके रिस्पेक्ट के लिए हम लोग इसको रख देते हैं ना। और भाई ये लेजेंड देखो, ये लेजेंड में देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ है लेजेंड में। तो भाई लेजेंड में भाई पहले भी मेरे को लेजेंड का ट्राइडेंट मिला है ना। और ये लेजेंडरी ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है भाई, लेजेंडरी ब्लॉक चांस 25% है। तो ये जो है ना ये नेदराइट का ब्लॉक है, और इसका इसका भाई नाम दे दिया है बस लेजेंडरी ब्लॉक, इसमें लेजेंडरी का कुछ भी नहीं है ठीक है भाई, बंदों को बस स्कैम करना है। तो चलो यार देखते हैं कौन सा वाला मिलता है, प्लीज़ भाई बीडी जोन वाला दे देना यार। वैसे जैफरी भाई को एक ही चांस में मिल गया था बीडी जोन वाला, प्लीज प्लीज या तो वो दे देना या फिर भाई बीडी जोन का की दे देना यार। अबे यार लेजेंड का चेस्ट प्लेट क्या है, अच्छा कोई बात नहीं यार, लेजेंड का चेस्ट प्लेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो ये अपग्रेड मैंने किया है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म 2 है, और प्रोटेक्शन है, रिपेयरिंग है, स्टेमिना है, अनब्रेकिंग है, जो कि इसमें भी है मेटाबॉलिज्म 3 है। ओ भाई साहब यहाँ पर प्रोटेक्शन है और अनब्रेकिंग है। कौन से एन्चेंटमेंट ज़्यादा है भाई इसमें, देखो भाई स्टेमिना है, अनब्रेकिंग है ना, प्रोटेक्शन 5 है इसमें है ना, तो सेम ही तो है ना भाई, इसमें मेटाबॉलिज्म वगैरह है इसमें भी सेम ही है भाई। देखो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन भाई 5, 6, 7 है, और रिपेयरिंग 3 है, और अनब्रेकिंग जो है ना अनब्रेकिंग है भाई। ओ भाई सब ये तो भाई बढ़िया हुआ। वैसे तो भाई मुझे ख़रीदना था लेजेंड का, सॉरी लेजेंड का नहीं, और फिर बीडी जोन वाला, लेकिन भाई मुझे मिला ये ठीक है। तो इसका भी हम लोग थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह कर दें, और भाई एक बार बीडी जोन का कुछ मिल जाए ना तो भाई सही हो जाएगा भाई। और इसको बस यहाँ पर अपग्रेड करना है ठीक है, और कुछ नहीं बस अपग्रेड करना है। तो ये थोड़ा बहुत हटा लेते हैं। देखो भाई जैफरी भाई ने मेरे को एक चीज़ दिया था और उसमें मेरा हार्ट भरा था ठीक है, या वो सिर्फ चेस्ट प्लेट के वजह से बढ़ा था या फिर किसके वजह से यार पता नहीं। अच्छा इसको यहाँ पर यही रख देते हैं ना। और डायमंड 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 और कुछ चाहिए भाई, लेकिन डायमंड नहीं है यार। अच्छा कौन सा वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ वैसे, देखो ये कौन सा वाला है भाई, स्मिथिंग टेम्पलेट वार्ड आर्मर ट्रिम। अच्छा ठीक है भाई ये वार्ड का है, मैं भाई कौन सा वाला बढ़िया रहेगा वैसे। काम करते हैं ना भाई, मेरे पास पैसा तो है भाई थोड़ा बहुत। अच्छा शॉप पे चलते हैं, और ये वाला कौन सा है, देखो ये कितने में बेच रहा है, 50,000 और 1,000 है ना, 51,000 में, 51,000 में बेच रहा है। तो भाई ये कौन सा है भाई, वैक्स आर्मर ट्रिम, देखो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो ये वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ ठीक है भाई। मैं ऐसे करके क्यों जा रहा हूँ भाई, मैं नॉर्मल से भी जा सकता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है कि ये जो है ना स्मिथिंग वैक्स आर्मर ट्रिम तो नॉर्मल बंदे भाई ये कितने में बेच रहे हैं, लेकिन भाई मेरे को भाई मैंने खरीद लिया, जो खरीद लिया सो खरीद लिया भाई। अब शॉप पे चलते हैं, शॉप पे चलने के बाद यहाँ से जो है ना 3,000 में भाई खरीद लेंगे ठीक है। ओ भाई साहब ये 3,000 नहीं था, आई थिंक एक डायमंड 3,000 का था, तो भाई 1,28,000 में सेल हो गए। चलो यार कोई बात नहीं, ये सब भी हम लोग गेन कर लेंगे। दिखाता हूँ भाई कि मैं कैसे गेन करता हूँ भाई ये सब। देखो भाई अमित से थोड़ा सा तो भाई फर्क आ रहा है, तो गोल्ड से कुछ अलग है। और क्या भाई देखो भाई इससे कुछ कैदी कैदी वाला फील आ रहा है ना भाई, ये तो भाई मेरे को डायमंड कभी भी पसंद ही नहीं आता।
एमरिल भी नहीं है। एमरिल एमरिल और भाई ये चीज़ एकदम करीब करीब सेम ही है ना। देखो भाई थोड़ा बहुत डेबिल डेविल वाला फील देने के लिए हम लोग ये वाला लगा सकते हैं। देखो ये समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं यार, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर अच्छा ना लगे तो। ठीक है भाई इसको ही फाइनल कर देते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई अगर। ओ भाई ये उतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा। हाँ बट मैंने पहन लिया है, क्या ही कर सकते हैं। देखो दो कुलड्रोन वगैरह बना लेते हैं, और चलो यार ये रहा, दो चाहिए मुझे कुलड्रोन। ठीक है और चाहिए आयरन। आयरन से क्या होगा कि शॉप, और मुझे चाहिए ब्लॉक्स है ना, तो भाई ये खरीद लेते। कितना भाई एक स्टैक से आई थिंक हो जाएगा काम। तो भाई 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना, 6 ब्लॉक, और मुझे ये चाहिए 2, एकदम परफेक्ट भाई 2 हो गया है। तो भाई इन लोग इनसे भी काम है, ठीक है वो बाद में आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन इनसे भी काम है मुझे। आई थिंक ये इस चीज़ को तोड़ना ही होगा। और हम लोग को इसके ऊपर जो है ना ये चीज़ लगाना है। तो भाई ये रहा ना, चलो यार यहाँ से चलते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर 2 ब्लॉक अप करके ये वाला यहाँ पर, सही है ना, और यहाँ पर 2 वाला अप करके ये वाला यहाँ पर। भाई यही चीज मेरे को बनाना था, अब जो है ना थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। देखो भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, देखा भाई ये जो है ना इसको क्या कहते हैं मुझे ढंग से तो पता नहीं है। देखो लिली लिली पैड है, तो भाई ये चीज मेरे को चाहिए, लिली पैड चाहिए, और लिली पैड सिर्फ मिलता है भाई स्वम्प बायोम में, ठीक है, और उसके आसपास ही मिलते हैं स्वम्प बायोम, और उसके आसपास मिलते हैं। भाई ये वाला ऐसे करके, और ये होगा फाइनल। चलो यार ये अब जो है ना आई थिंक अच्छा लग रहा है। ओके गाइस तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना मेरे चैनल को। और बाकी भाई चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।